आज तो हमारे भाग्य खुल गए, स्वयं काना ने हमारा मार्ग रोका है। माखन तू? हाय राम, देखो श्यामा कैसा भोला वाला चेहरा बनाकर माखन मांग रहा है। माखन दो ना। कृष्णा, भगवान माखन की भीख मांग रहा है? दे दो। ये भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो शत विद्या ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं, और ये माखन के लिए हाथ फैला रहा है। माखन चाहिए? चार दही माखन सब मिलेगा। दो ना। पहले नाच कर दिखा। नहीं नाचूंगा। तो फिर माखन भी नहीं मिलेगा। तो हम जाते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, नाचूंगा तो माखन दोगी? माखन के लिए बंदर की तरह नाचेगा कृष्णा? ये कृष्णा है, भगवान नहीं। उठाओ। नाचूंगा, परंतु तुम्हें गाना पड़ेगा। चलो गाओ। इतना सा माखन? तुमने भी तो इतना सा नाचा करना यार। कंजूस। माखन के लिए गिड़गिड़ा रहा है। क्या भगवान ऐसे गिड़गिड़ाते हैं? लोबिन, तुम लोबिन। कोई दूसरी होती तो कहती लोक नहीं, पूरी मटकी तुम्हारी ले लो। तो ना। और माखन चाहिए? और चाहिए तो और माखन चाहिए। अभी जितना नचाना है नचा लो तुम सबको, मैं देख लूंगा। अभी नाचता हूँ। काना, जितना माखन चाहिए ले लो। सच? काना, ये सारा माखन तुम्हारे लिए। आ जाओ। जी, पेड़ के पीछे छुप कर क्या देख रहे हो? माखन चाहिए? माखन खाओगे? आ जाओ, माखन ले लो। परंतु माखन खाने से पहले नाचना पड़ेगा। महर्षि, आप ये यहाँ इस कोठरी में? ये भाई आप किससे बातें कर रहे हैं? चानू जी, क्या सत्य में कंस की मनोदशा ठीक नहीं है? प्रणाम महर्षि, प्रणाम। स्वामी,
भैया दीवार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? चानू, ऐसा लगता तो नहीं कि कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बताइए महर्षि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि, मैंने आपको पहचान लिया, आप महर्षि दुर्वासा नहीं हो, तुम कृष्ण हो। कृष्ण? कृष्ण दुर्वासा? अधूरा नरेश, तुम्हारे कारण मेरा अधोपतन हुआ है। शत्रुता तुम्हारी कृष्ण से थी और भ्रमित तुमने मुझे कर दिया है। महर्षि, ताकि मैं कृष्ण को शाप दूं, भेज दिया मुझे गोकुल। तुम्हारे इस अपराध का तुम्हें दंड मिलेगा। दंड? मुझे दंड क्यों? मुझे क्यों शाप? क्षमा महर्षि, क्षमा। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम एक बालक से शत्रुता रखते हो, तुमने भगवान से शत्रुता की है, तुम्हारे मन में पाप है, इसलिए तुम्हें निष्पाप होने की आवश्यकता है। जाओ। तुम भी निष्पाप बालक बन जाओ। जानुल काका, ओ जानुल काका, इधर आओ ना। महाराज, आप कृपा करके अपने भवन में चलिए। भवन नहीं जाना है, गोकुल जाना है। गोकुल कृष्ण के साथ खेलना है। कृष्ण के साथ खेलूंगा ना तो खेलते खेलते उसको जमुना में डुबा दूंगा। प्रभु, मामा जी की दशा देखकर हंसी आ रही है और महर्षि दुर्वासा की दशा देखकर उन पर दया आ रही है। राधे, दोनों की ये दशा अहंकार के कारण हुई है। कंस मामा जी अपने आप को भगवान समझते हैं और ज्ञानी महर्षि दुर्वासा अपने आप को भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त। दोनों भ्रमित हुए हैं। मामा जी को अपनी मृत्यु दिखाई देती है और महर्षि दुर्वासा को ईश्वर दिखाई देते हैं। धन्य है आप प्रभु और धन्य है आपकी लीला। अरे ये क्या? माखन। यशोदा, इसने माखन खाया कम है, मुंह पर लगाया अधिक है। माखन के लिए बहुत श्रम करना पड़ा, बहुत नाचा, तब जाकर माखन मिला है। माखन के लिए नाचने की क्या आवश्यकता थी? क्या अपने घर में माखन नहीं है कन्हैया? परंतु मैया, मैं घर में माखन खाऊंगा तो उनका माखन कौन खाएगा? मैंने मथुरा नरेश को वचन दिया है कि मैं कृष्णा की परीक्षा लूंगा, परखूंगा
कि वो भगवान है कि नहीं, परंतु कैसे परीक्षा लूं? मुझे कैसे विश्वास होगा कि कृष्णा भगवान है कि नहीं? महर्षि दुर्वासा को कृत्या का प्रणाम। क्या क्या है मेरे लिए महर्षि? कृत्या, मैं जानना चाहता हूँ कि कृष्ण तुम्हें देखकर भयभीत होता है या नहीं। महर्षि, मुझे देखकर कौन भयभीत नहीं होता? कृष्ण भी होगा। तो फिर कृष्ण जब अकेले हो तब उसके सामने जाओ और आकर मुझे बताओ कि वो भयभीत हुआ या नहीं। आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब पता चलेगा कृष्ण कि तुम भगवान हो या नहीं। जाऊंगी कृष्ण। मैं कोई माखन हूं जो तुम मुझे खा जाओगी? इतना क्रोध क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? जब माँ गुस्सा करती है तब भय लगता है। सब समझता हूँ। महर्षि को माखन चाहिए, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। परंतु मैं माखन तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम नाचोगी नहीं। बच्चे, मुझे नचाना चाहता है? हाँ, मैं नाचूंगी, भयभीत हो जाएगा। पास आओ, माखन लो, ये बहुत अच्छा है, तुम भी खाओ, खा लो, आ जाओ, ये लो, खा लो, मजा आ जाएगा। कान्हा के इम्तिहान को करने को भयभीत भेजी कृत्या राक्षसी, कृष्ण बेपाने जीत। हालो, सोचो मत। हालो, बड़े प्रेम से कृष्ण ने माखन दियो खिलाए, कृत्या को श्री कृष्ण ने देवी दियो बनाए। जाने और अनजाने से जो आया प्रभु द्वार, कृपा कर दी कृष्ण ने कर दी ना उद्धार। क्षमा क्षमा प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपने मेरा उद्धार किया,
आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी क्या हुआ, माखन खाने आए हो? आ जाओ शुरू करो। विद्या कहाँ गई? मेरी आज्ञा के बिना इतना साहस। माखन खाया और चली गई बाबा। भगवान जाने किसकी बात कर रहा है। कृत्या कहाँ गई? मुझे उसे ढूंढना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण मेरी आत्मा में बस गया है। नारायण नारायण, भगवान महर्षि दुर्वासा ने कितना सत्य कहा। आप तो आत्मा के रूप में हर किसी में विराजमान रहते हैं। आपने ही तो इस चराचर जगत को व्याप्त किया है। देवर्षि, साक्षात्कार होने के बाद और संकेत देने के बाद महर्षि दुर्वासा जैसे ज्ञानी और तपस्वी ये जान नहीं पा रहे हैं तो उन्हें तत्काल ये जान लेना चाहिए कि मैं वो वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और जिसके फल फूल पत्तियां और टहनियां नीचे की तरफ। महर्षि को ये ज्ञात होना चाहिए था कि सब कुछ मुझसे निर्माण होकर मुझी में विलीन हो रहा है। मैं ही करता हूँ, मैं ही तारक हूँ और मैं ही संहारक हूँ। जब महर्षि को इन बातों का ज्ञान होगा तब उनकी बुद्धि पर छाए हुए अहंकार के बादल झड़ जाएंगे। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु आप धन्य। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।